जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 28 जुलाई 2022 गुरुवार का दिन है। श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है और अमावस्या तिथि 23:24:44 तक रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है और 2 डिग्री पर विद्यमान है। आज पुनर्वसु नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। दर्शकों, जब त्योहार की बात करें तो आज श्रावण अमावस्या भी है और हरियाली अमावस्या भी आज ही के दिन कहलाती है। आज का राहु काल 14:14:17 से 15:55:20 तक रहेगा और राहु काल के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:59 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, यदि रत्न की बात करें तो आज अमावस्या है, इसलिए कोई रत्न धारण भी नहीं किया जाएगा। आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है, जो आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम भी अवश्य दिलवाएगा। आज करना क्या है, आज पीले रंग के फूल से अपने घर के मंदिर को सजाना है। अर्थात भगवान, जो भी तस्वीर आपने भगवान के अपने घर के मंदिर में रखी है, भगवान को पीले रंग के फूल अर्पित करने हैं। मात्र इतना सा आज आपको करना है। यदि मान लीजिए आपको पीले रंग के फूल उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर के अंदर जो आसन है, जहां आपने भगवान को बिठाया है, वहां कोई भी आप जो कपड़ा बिछाते हैं, आज पीले रंग के कपड़े का प्रयोग कीजिए। इतना सा आप जरूर आज मात्र कीजिए, आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है, उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से नवम का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 5:49:01 पर कर्क लग्न बन रहा है। कर्क राशि के अंदर ही सूर्य है, बुध है और चंद्रमा स्थित है। तुला राशि के अंदर केतुदेव है, मकर राशि में शनिदेव हैं, मीन राशि में बृहस्पति हैं, मेष राशि के अंदर राहु है और मंगलदेव हैं, मिथुन राशि के अंदर शुक्रदेव हैं। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। दर्शकों, जिनके पास भी अपनी कुंडली है, वह अपनी कुंडली के आधार पर जो लग्न बनता है वह लग्न फल फॉलो करेंगे। और यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम से जो आपकी राशि बनती है वह फलादेश आप फॉलो करेंगे। आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा और बृहस्पति आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आज यदि कोई स्थायी संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं, कोई स्वर्ण आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन, आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपको थोड़ा सा संकोच हो और आपको लोग संशय की नजर से देखें, ऐसी संभावना बनती है। क्योंकि आज आप कोई लापरवाही ऐसी कर सकते हैं जिससे आपको कुछ डैमेज देखने को मिले। ऐसे में आज आपका एक्शन, आपकी बुद्धि सही दिशा में होनी चाहिए और किसी भी तरह का लालच या ऐसा काम जो आपके लिए सही नहीं है, उससे अपने आप को दूर अवश्य रखना है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन वाणी को संयमित प्रयोग में लेने का है। मित्रों से आज थोड़ी दूरी बना के रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन का व्यय भी सोच समझ के कीजिए, लेकिन कार्य क्षेत्र में आज आप कुछ विशेष उपलब्धि भी हासिल अवश्य करेंगे। ऐसे में यदि सुबह घर से निकलते समय जो मैंने उपाय बताया है वह आप करके चलेंगे तो आज के दिन के अच्छे परिणाम फिर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको विचारों की अधिकता भी देगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। कुछ नया सोचकर, कुछ बेहतर सोचकर बेहतर कार्य अपने लिए करें। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आप बनाए जिससे आपको परिणाम अच्छे मिले, इसकी व्यवस्था आज ग्रहों ने की है और आज आप अपनी बुद्धि कौशल से लक्ष्य भी जरूर हासिल करेंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से खर्च की अधिकता को दिखा रहा है। ऐसे में आज धन के लेन देन में
सावधानी रखिए। बृहस्पति अष्टम भाव में आपको कुछ नई चीज सीखने समझने के लिए प्रेरित कर रहा है। परिवार का सुख सानिध्य सब बेहतर रहेगा और आज आपका अध्यात्म के प्रति लगाव अवश्य रहेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मानसिक अस्थिरता थोड़ी सी रहेगी, लेकिन सकारात्मक रवैया आज आपको भटकने नहीं देगा। अध्यात्मवादी विचार आज आपको स्थिरता देंगे और आज दाम्पत्य जीवन के अंदर कोई अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी मिलेगा और दूसरों के साथ आज आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको कुछ ऐसी गलती का परिणाम भुगतना पड़ सकता है जो आपने तो नहीं की है, लेकिन आप उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, क्योंकि अविवेकपूर्ण निर्णय आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर ऐसा लिया है जिसका परिणाम आज आपके सामने आ रहा है। इसीलिए धैर्य रखिए, शांति से काम कीजिए तथा पूरा फोकस अपने काम पर कीजिए, वही आपके लिए आज श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अकस्मात लाभ के अवसर आपको दिलाएगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। आज जो कुछ करना चाहते हैं उसको करने के पूरे मौके भी आपको मिलेंगे और विदेश यात्रा पर यदि आप जाना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग आज के दिन श्रेष्ठ रहेगी। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको सुख सुविधाएं देगा। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी और कुछ नवीन वस्तु की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे का सहयोग आज आपको अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलेगा और धन का व्यय भी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा होगा। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन बृहस्पति के कारण से आपके व्यवहार कुशलता में थोड़ी कमी देखी जाएगी। आज आप पार्शलिटी भी जरूर करेंगे, अर्थात जो व्यक्ति आपके अपने हैं, आपके आपको पसंद आते हैं, उनके साथ तो आप बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपको पसंद नहीं उनसे आज आप दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, ऐसा आज अवश्य होगा, क्योंकि आज आपके मन के अंदर कुछ विचार ऐसे चल रहे हैं जो आपको थोड़ा भ्रमित भी करेंगे। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन वाणी का प्रयोग आप बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और जिसके कारण से धन परिवार का सुख भी आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन चंद्रमा के कारण से कार्य में कुछ रुकावटें आएंगी जिसका सामना आपको अवश्य करना है। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ नया करने का है, कुछ बेहतर करने का है। आज संतान को लेकर के भी कुछ शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी और आज का दिन आपके लिए बेहतर है और आज आपके विचार, आपकी बुद्धि, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में आज के दिन का सर्वोत्तम प्रयोग आपको अपने लिए अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।